आज की जेन कथा का शीर्षक है चीनी कविता कैसे लिखना। एक विख्यात जापानी कवि से पूछा गया कि चीनी कविता कैसे लिखी जाती है। सामान्य चीनी कविता चार पंक्तियों की होती है, उन्होंने व्याख्या की। प्रथम पंक्ति में प्रारंभिक छंद होता है, दूसरी पंक्ति उस छंद को ही आगे बढ़ाती है, तीसरी पंक्ति विषयांतर कर एक नई बात आरंभ करती है और चौथी पंक्ति प्रथम तीन पंक्तियों को एक साथ रख देती है। एक प्रसिद्ध जापानी गीत से यह स्पष्ट होता है। क्योटो के एक रेशम व्यापारी की दो पुत्रियां थीं, बड़ी 20 वर्षीय थी और छोटी 18 वर्षीय। एक योद्धा अपनी तलवार से मार सकता है, पर ये लड़कियां अपने आंखों से ही पुरुषों को मार देती थी। आज की ये छोटी सी कथा पूरी हुई। अनेक ऐसी चीनी कविताएं हैं जिनमें बड़े गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं। चार पंक्तियों में ही बहुत कुछ कह दिया जाता है। छोटे छोटे तौर तरीके बनाए गए हैं कि जो चाहे तो कहीं चोट कर सकते हैं, अगर थोड़ी हमारी वर्तमान में होने की स्थिति हो, अभी और यहीं हो, तो कोई छोटी सी पंक्ति भी काम कर जाती है। बैठेंगे आज के ध्यान के लिए। कोई सुव्यवस्थित जगह आपने ले ली होगी जहां आप थोड़ी देर आंख बंद करके और एकांत में स्वयं के साथ रमण कर सकेंगे, ऐसी आशा है। ध्यान करना नहीं होता, ध्यान में हम होते हैं, बस उसके प्रति जागरूकता हो जाए इसके लिए विधि विधान बनाए गए हैं। और ये सबसे सरलतम है कि अपनी आती और जाती श्वास के साथ बैठना। भगवान बुद्ध ने बड़ा ही यह एक ऐसी वैज्ञानिक विधि दी है कि अगर इसको हम प्रैक्टिस करें, बैठें अपनी आती और जाती श्वास के साथ, तो धीरे धीरे वर्तमान में होने की कला सीखने लगते हैं। और वही आनंद है। बैठ गए हैं, शरीर बिल्कुल आराम से है, देख लें कहीं कोई तनाव तो नहीं है। चेहरे पर सर्वाधिक तनाव होता है, देखें आंखें बिल्कुल आराम से बंद हैं, फेस मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हैं, आंख भी बिल्कुल बंद हो गई है, करने का तनाव नहीं। मुंह के जबड़े चाहे थोड़े खुले हों, आराम से बैठे हैं। श्वास नाक को छूती हुई भीतर आ रही है, भीतर तक भर रही है और फिर आहिस्ते से बाहर आ रही है। श्वास की जो सहज लय है उसमें ही बैठेंगे, अपनी ओर से कुछ तेज नहीं करना है, कोई गति नहीं देनी है। बैठें थोड़ी देर।